जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सैनियर लाडलो लाडली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमांड ओपिनियन में। दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस के जिनका पेपर हो गया उनको अभी से फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। इसीलिए हमने जिस दिन दिल्ली पुलिस का पेपर था उसी दिन से दिल्ली पुलिस के फिजिकल बैच भी शुरू कर दिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी काफी हार्ड है। और अब आपके सामने आज पूरी की पूरी जो डिटेल है वो बताने वाला हूँ कि कब आपके फिजिकल शुरू होंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब आपका रिजल्ट आएगा, कितने बच्चे पास होंगे। ये जो आप पीछे मेरे नोटिस देख रहे हो इसमें आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों का पेपर हो गया है उनको अभी से दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए शुरू, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। देखिए लाडलो, दिल्ली पुलिस की आप सबको पता है जो रिटर्न एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 14/11 से 3/12/2023 तक जो कि अभी चल रहा है आप सभी को पता है। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो आएगा लाडलो 10/12 को, यानी आने वाली 10 तारीख को। 3 को आपके एग्जाम खत्म है और 10/12 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। कितने बच्चे पास होंगे इसमें, तो ये देखो पोस्ट जो बच्चे पास होंगे होंगे 90,564 बच्चे इसमें पास होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर द एप्रिक इन पीई और एमटी के लिए, इसमें मेल होंगे 60,672 और फीमेल होंगे 29,892 ये होंगे पास फिजिकल के लिए। आगे देखूं, दिल्ली पुलिस विल बी प्रोवाइड शेड्यूल ऑफ पीई और एमटी, यानी दिल्ली पुलिस जो शेड्यूल प्रोवाइड करने वाली है वो कब करेगी, 11/12/2023 को ये प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एसएससी विल प्रोवाइड बायोमेट्रिक फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 12/12/2023 को, ठीक है लाडलो, ध्यान रखना। एसएससी विल प्रोवाइडिंग लिंक टू दिल्ली पुलिस फॉर द डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी जो भी बच्चे जो क्वालिफाई होंगे 90,564 बच्चे इनको एडमिट कार्ड जारी कब होगा, 19/12/2023 को इनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। और फिजिकल कब से शुरू होगा, तो ये रही फिजिकल की डेट 22/12 से 4/1 के बीच में, 22/12 से 4/1 के बीच में आप सबके फिजिकल होने हैं। देख लीजिए 22/12 से 4 यानी बराबर आपके पास में लगभग 1 महीने का समय है। तो जितने भी लड़कियां और लड़के जो भी देख रहे हैं स्पेशली दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए जो आना चाहते हैं, मैंने बता दिया अकेडमी में अभी हमने नया बेस शुरू किया फिजिकल का दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और रनिंग भी है। तो इसीलिए जिन भी बच्चों का पेपर हो रहा है वो तुरंत ही अकेडमी आ सकते हैं। अकेडमी की आप जानकारी हमारे जो चैनल है उसके ऊपर में आपको मिल जाएंगे नंबर, नहीं तो आप ये इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9588810608, इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारे शॉर्ट वीडियो में सब में ये नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ डेट पी और एमटी विल बी कंडक्ट, कितने दिन के लिए होगा, तो 10 दिन के लिए होगा अप्रोक्स 10 दिन से, और 2 दिन रिजर्व रखे गए हैं किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। ध्यान रखना कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक आ गए थे हम, यहां तक आफ्टर कंप्लीट पी और एमटी दिल्ली पुलिस विल बी अपडेट द रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट विच वेब टूल प्रोवाइड बाय द एसएससी 5/1/2024 डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट, यानी फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 12/1 को, यानी 12 जनवरी 2024 को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एसएससी विल प्रोवाइड डाटा एंड थोड़ा सा कुछ धुंधला सा दिख रहा है, सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ऑल रीजन, यानी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी पूरी जानकारी आपको आ जाएगी 15/1/2024 को, और इश्यू ऑफ ओपन एप्लीकेशन लेटर ये जारी होगा लाडलो 20/1/2024 को, यानी ये पूरी की पूरी एसएससी की जो दिल्ली पुलिस की पूरी जानकारी आ गई कब से क्या क्या होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये नोटिस एसएससी की ऑफिशियल साइट पर तो नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है, एसएससी की ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा वास्तविक नोटिस है, आप इसको 100% सही मान सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो कि गलत है, ठीक है। तो आप इसी को सही मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दें लाडलो। ध्यान रखिए आपके पास में समय कम है, एसएससी दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है काफी हार्ड है और आपको इसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप अगर कोई बच्चा है ऐसा बोलता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, तो मुझे नहीं लगता मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग जंप और हाई जंप है लड़कियों के भी और लड़कों के भी, इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप फिजिकल में अगर रह गए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते लेकिन पास करना क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।